उड़ास यानी बड़ी पुरातन विद्या है कि शरीर के जिस पार्ट पे स्टोन गांठ हो अगर वो मूवमेंट करती है, स्टोन क्या करती है, मूवमेंट करती है, चलती है, कोई भी ऐसी जो मूवमेंट करती हो स्टोन, हमें उसका मूवमेंट उस ओर लेकर जाना होता है जिधर वो होल है यानी जड़ से निकलने वाली रास्ते की। अब वो मुंह के पास तो चले जाए, जैसे भी इन्होंने कहा कि पेशाब का प्रेशर अच्छा हो, क्योंकि पेशाब का प्रेशर अगर अच्छा होगा तो उसके साथ वो बाहर निकल जाए। इसका इलेक्ट्रो में हम क्या कर सकते हैं बिना हाथ लगाए? अब ये प्रश्न है, बिना हाथ लगाए इलेक्ट्रोमोपैथिक में स्टोन निकल जाएगा एक ही दिन में, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक कह लीजिए, या एक दो दिन का समय कह लीजिए, या उसे एक दो मिनट का भी समय कह सकते हैं। हमने देखा है कि एक घंटे से ज्यादा नहीं लगा हमें छोटी स्टोन से उन्हें निकालना, एक घंटा बल्कि बहुत ज्यादा देखा है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है भाई, छोटी स्टोन के लिए बता रहा हूँ, इस चीज को समझें। कितने एमएम तक सर? छोटी स्टोन जो चार पांच एम, कभी आप छोटी स्टोन अगर शब्द प्रयोग होता है तो छोटी स्टोन उन्हें हम कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, छोटी स्टोन उसे कहेंगे जो हमारी जो ट्यूब का जो साइज है, यूरेट्रा का साइज है, उस साइज में फ्लो कर जाता है और वो चार या पांच एमएम तक की होती है जो उसके अंदर को निकलती है, इससे बड़ी जो है वो फंस जाती है, समझ गए मेरी बात? तो इसे छोटी कहा जाता है, बड़ी स्टोन उन्हें कहा जाता है जो रास्ते से ना निकल पाए। ओके, अब हमें करना क्या है, हमारे सामने एस ग्रुप की तो दो मेडिसिन है, क्या एस फाइव और एस सिक्स, क्या मेडिसिन है? S5 और S6। इसका पॉजिटिव डायरेक्शन फर्स्ट डायरेक्शन बना कर पेशेंट की जीप पे डायरेक्ट ऑन टंग दोनों की 10-10 बूंद डाल, ठीक 10 मिनट के बाद वाई ई की 10 बूंद डाल, और 1 लीटर पानी की बोतल वहीं रखो, 1 लीटर पानी की बोतल को पेशेंट को पिलाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके उसमें चाहे तो वो जो 1 लीटर पानी है उसे आप मेडिकेटिव वाटर में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? कि वही जो अभी बताई मैंने तीनों मेडिसिन, वो आप 20 बूंद उसमें डाल एक पानी में, उसे को यहीं बैठ के पीना है, वो उसे आधा घंटे में, मतलब जल्दी पीना है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? फास्ट यानी वो जितनी जल्दी खत्म कर देगा स्टोन उतनी मिनट में बाद, फ्लूइड उसमें डालिए और उससे कहिए। अब अगली विधि सुनना, पेशाब की जो सलाह देंगे, पेशाब उसकी सलाह देंगे पंजों के बल बैठ कर करने की, एडी उठाना है, ठीक है। अब क्या होगा इससे, ये जो यहाँ स्टोन क्या होता है हमारे चलने में निचले भाग में होती है मोस्टली, जैसे बैठते हैं तो ऐसे उथल जाते हैं, ऊपर ही को उठते हैं, यूरेटर के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं बिना हाथ लगाए, और जैसे पेशाब को फ्लो बढ़ेगा स्टोन बाहर। इस विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बाकी उसे भी आप सीख कर जाए।